हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। यानी आप किसी भी वेवलेंथ पर अगर ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो वो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली कोई भी बॉडी होती है वो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन में से थोड़ा एब्जॉर्ब करती है, थोड़ा ट्रांसमिट करती है और थोड़ा रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ब्लैक बॉडी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में ये कहा जा सकता है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब करती है। उसमें किसी भी तरह का ना तो ट्रांसमिशन होगा ना ही रिफ्लेक्टेंस होगा। और जब ये ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है तब ये रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देती है। यानी कि जब आपने बॉडी को हीटअप किया, हीटअप करने के बाद एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे फ्रेंड्स बॉडी किसी भी तरह के रेडिएशन को एमिट नहीं करती है। पहले एब्सोल्यूट जीरो पे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो आप एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली सभी बॉडी थर्मल रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और नॉर्मल बॉडी कुछ रेडिएशन को ट्रांसमिट करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। एक तो ये डिफरेंस हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो नॉर्मल बॉडी के थर्मल रेडिएशन को स्टडी करते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक पीक आपको नहीं दिखाई देती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को जब हम स्टडी करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक पीक दिखाई देती है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह की थ्योरीज दी। उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी इसको हम एक बार इस ग्राफ के, इस फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा हुआ है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी जो है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसकी उससे जो एमिट हो रहा है रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू ई सिग्मा टी की पावर 4 के इक्वल होता है। दैट इज जितना रेडिएशन एमिट हो रहा है वो बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ निकलता है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बेस लिया था इस फॉर्मूले के लिए, उन्होंने जितनी वेवलेंथ उससे निकल रही थी एमिटेड रेडिएशन में सब वेवलेंथ का सम ओवर किया और इस फॉर्मूले को फाइंड आउट किया। ठीक है फ्रेंड्स, और विच इज द बेसिस ऑफ रेडिएशन, हीट ट्रांसफर, और यही रेडिएशन के हीट ट्रांसफर का बेस है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज क्या बताता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है उसका एमिटेड रेडिएशन जो होता है पर यूनिट एरिया डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नाउ हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, और फ्रेंड्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए वीन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, साथ में प्लैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्लैंक से ही क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई थी। प्लैंक का ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि जो रेडिएशन होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। उससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में ये माना जाता था कि जो रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में होता है। पहले हम लाइट की एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यूअस मानते थे, यानी कि हर फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ उसके पास होती थी, लेकिन प्लैंक ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया था। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, और वो जो पैकेट है उनको क्वांटा कहते हैं और उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि ई जो है
वो एच न्यू के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होता है। और एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट है। 1900 में प्लैंक ने ये अपना आइडिया दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, तो फ्रेंड्स तब इतना एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि एकदम डिफरेंट टाइप का आइडिया था, क्लासिकली इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए ये एकदम डिफरेंट फिजिक्स की तरफ ले गई और इसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स हुआ क्योंकि ये क्वांटा पे बेस था। तो हम बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए वीन ने भी अपना एक लॉ दिया और साथ में प्लैंक ने दिया और रिले जीन्स ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम समझाएंगे तो हम इन तीनों की ही डिटेल स्टडी करेंगे। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एमिटेड रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात कर रहे हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है किस तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ, जिसे समझाने के लिए इन साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडियाज़ दिए। तो फ्रेंड्स, अगर एमिटेड एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो देखा गया कि ग्राफ कुछ इस तरह का आता है और ये पीक भी तभी स्टार्ट होती है जब विजिबल रीजन में आना शुरू हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर 800 केल्विन या उससे एबो होता है तब इस तरह की पीक आनी शुरू हो जाती है। और ये पीक लैम्डा एम की कॉरस्पॉन्ड, लैम्डा मैक्सिमम बोलते हैं इसको, ये शिफ्ट होती चली जाती है जीरो की तरफ जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते चले जाते हैं। यानी कि अगर ये 800 केल्विन पर है, ये 2000 केल्विन पर है, ये 5000 केल्विन पर है, तो ये लैम्डा एम की वैल्यू कम होती चली जाती है। ये लैम्डा वर्सेस ई ग्राफ है। तो ये चीज को समझाने के लिए इस तरह का जो भी बिहेवियर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इस तरह के बिहेवियर को समझाने के लिए वीन्स ने अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ लिया जो कि शॉर्ट वेवलेंथ पर एप्लीकेबल था। तो फ्रेंड्स, वीन्स ने कहा कि लैम्डा टू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसके बाद में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं। अभी आपको मैं बता रही हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो वीन्स ने लॉ दिया लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी हेल्प से ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब लैम्डा एम क्या है फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेम्परेचर की आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो लैम्डा एम जो कम होता चला जा रहा है ना, लैम्डा इधर की साइड जीरो की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, तो इसीलिए लैम्डा की वैल्यू कम होती चली जा रही है। पीक के कॉरस्पॉन्ड है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपीयर होती है। तो यहाँ से टेम्परेचर कम टेम्परेचर 800 केल्विन पर विजिबल रीजन रेड के लिए मान लिया अपीयर होने शुरू हो गई, ये आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद सारे कलर होते होते धीरे धीरे ये ब्लू कलर पे आ जाती है। जितना हाई टेम्परेचर होता चला जाएगा उसकी कॉरस्पॉन्ड ये पड़ती चली जाएगी, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाइट कलर का दिखाई देने लगेगा। यानी ये जो ब्लू कलर होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पर बॉडी एकदम ब्लू, ब्लू स्टार भी आपने देखा होगा उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये लगभग कॉरस्पॉन्ड टू, अगर बी की बात करें तो ये लगभग 7000 केल्विन के अप्रॉक्स पहुँच जाता है फ्रेंड्स। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, लैम्डा एम और उसके कॉरस्पॉन्ड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने दिया। और वीन्स ने जो फॉर्मूला दिया है उससे स्टार के सरफेस का टेम्परेचर भी इजीली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी एपरेटस से उस रेडिएशन को देखते हैं जो वहां से आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्ड लैम्डा एम को देखते हैं, तो लैम्डा एम और इस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू है, इसके थ्रू टेम्परेचर ऑफ द स्टार हम निकाल सकते हैं। तो इट प्रोवाइड अ टूल फॉर मेजरिंग स्टार सरफेस टेम्परेचर, किसी भी स्टार के सरफेस के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अब फ्रेंड्स, एक और नई चीज है कि IRAS सैटेलाइट्स। तो फ्रेंड्स, ये है इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है कोल्ड स्टार्स होंगे उनका भी टेम्परेचर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड कितना कोल्ड, तो रेडिएशन तो दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि ये जो पीक दिखाई देती है वे तो पर्टिकुलर कोई हाई टेम्परेचर होता है तभी निकलनी शुरू होती है। तो हम कैसे मेज़र करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ठंडे स्टार, जितनी भी कोल्ड बॉडीज प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में,
उनका जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। जैसे हम भी एक बॉडी हैं, हम भी थर्मल रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, कोई भी रूम में रखी हुई बॉडी है ये भी थर्मल रेडिएशन को एमिट कर रही है, लेकिन इसका जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में पड़ रहा है, इसीलिए हमें विजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंफ्रारेड रेडिएशन की जो इस तरह का ग्राफ होता है उस पर भी पीक दिखाई नहीं देती, ये पीक विजिबल होती है लगभग 800 केल्विन जब विजिबल रीजन शुरू हो जाता है। तो लेकिन वीन के डिस्प्लेसमेंट से 1983 में, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, यूएसए और यूके इन दोनों ने, नासा ने भी मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया और बहुत लगभग 2.5 लाख यूनिवर्स में 2.5 लाख ऐसी बॉडीज़ की बॉडीज़ को देखा जिनका टेम्परेचर बहुत कम था और वो कोल्ड बॉडीज़ में भी आ सकती हैं और उनका साइज़ 100 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, इवन 10 मिलीमीटर तक की भी बॉडीज़ को निकाला। और इस तरह के IRAS सैटेलाइट्स को देखा गया टेलीस्कोप के थ्रू। जो टेलीस्कोप, देखिए फ्रेंड्स, टेलीस्कोप से अगर देखेंगे तो टेलीस्कोप का भी थर्मल रेडिएशन निकलता है और इन बॉडी का थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, तो कैलिब्रेट करने में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए टेलीस्कोप को भी इतना कोल्ड किया गया जिससे इस रेडिएशन को मेज़र किया जा सके। तो सायरोजेनिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें कोल्ड टेम्परेचर को प्रोड्यूस किया जाता है। पहले टेलीस्कोप को इतने कम टेम्परेचर पर लाया गया, लगभग 3 केल्विन यानी कि -275 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आया गया और उसको इतने ठंडे टेलीस्कोप की हेल्प से इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट किया गया और उसकी हेल्प से उन सब बॉडीज़ का जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं उनका डायमीटर भी निकाला गया और उनका टेम्परेचर भी निकाला गया। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ किसी भी यूनिवर्स की एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी सेट चीज़ें हैं, प्लैनेट हो, स्टार हो, उन सब की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। अब हम आ जाते हैं प्लैंक रेडिएशन पे। तो फ्रेंड्स, प्लैंक ने और रिले जीन्स इन दोनों ने 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करना शुरू किया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये है कि प्लैंक का जो फॉर्मूला है या प्लैंक का जो कर्व का एक्सप्लेनेशन है वो क्वांटम मैकेनिकली बेस्ड है और रिले जीन का क्लासिकली बेस्ड है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंटीन्यूअस फॉर्म में लिया जाता है और उसमें जितनी भी थ्योरीज अप्लाई होती हैं वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाले गए। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। ये आपको इस तरह का फ्लो चार्ट इसीलिए समझाया गया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किन किन साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है फ्रेंड्स, और किस तरह से क्या निकाला, उनका क्या बेनिफिट है, इस चीज़ को आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं और इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट से खींच के और अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में एक एक साइंटिस्ट की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं जिससे आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि प्लैंक ने और रिले जी ने 1900 में जब शुरू किया तो इनका क्लासिकल और इनका क्वांटम बेस्ड था। प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है, क्वांटा की फॉर्म में है, बस उससे अपना रेडिएशन का फॉर्मूला दिया, और रिले जी ने क्लासिकली बेस दिया और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन, ये शॉर्ट वेवलेंथ वाला पोर्शन वीन्स ने अपने फॉर्मूले से समझाया, यानी कैरेक्टरिस्टिक पीक के कोरस्पॉन्ड, और ये लॉन्ग वेवलेंथ वाला रीजन रिले जीन्स ने समझा दिया, ओके फ्रेंड्स, और इस पूरे को प्लैंक ने समझाया, यानी प्लैंक का जो फॉर्मूला है वो इस लेवल को भी समझाता है, वो वीन्स में चेंज हो जाता है शॉर्ट वेवलेंथ में, और प्लैंक का फॉर्मूला अगर हाई वेवलेंथ की तरफ जाएं तो रिले जीन फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, और साथ में वो पूरे ग्राफ को अच्छे से समझा पाए, और जिसकी हेल्प से उन्होंने स्टार्स के सरफेस के टेम्परेचर, क्योंकि उनके फॉर्मूले में दोनों तरह के फॉर्मूले
निकल सकते हैं ना, बीन्स का भी प्लांट स्टार के सरफेस का टेम्परेचर, मोल्टन मेटल का क्या टेम्परेचर है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आयरन को गर्म करते हैं वो रेडिश दिखाई देने लगता है, उसकी हेल्प से उसके रेडिएशन को स्टडी करके उसका कितना टेम्परेचर है उसको भी निकाल सकते हैं। साथ में किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी प्लैंक के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनके फॉर्मूले में वीन का फॉर्मूला भी आ रहा है, रिलेजिन का भी फॉर्मूला आ रहा है, तो उसकी हेल्प से हम हर बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक देखकर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे मैथमेटिकल इनकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।